ACL फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में जो ये इम्प्लांट यूज हो रहे हैं, हम टाइट रोप आई भी यूज कर रहे हैं, जनरेशन 2 का फाइबर टिप यूज कर रहे हैं, नीचे भी लूप और बटन एंकर, आखिर इसकी कितनी लाइफ है? तो सर, लाइफ उस चीज की डिटरमाइन की जाती है जो इम्प्लांट जिंदगी भर रहता है और रिप्लेसमेंट के लिए होता है। जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो नी रिप्लेसमेंट हम कार्टिलेज हटा के ये मेटल का इम्प्लांट लगाए थे, तो इसकी लाइफ की बात होती है। आपका जो ACL बना है ना, वो आपके खुद के टेंडन से बना है, पेशेंट के टेंडन से बना है, हैमस्ट्रिंग टेंडन से। सो ये ओरिजिनल बॉडी का टिश्यू है जिससे ACL बनाया है। इम्प्लांट का काम ये है कि वो 6 महीने तक इसको सही सलामत बोन में रखे। 6 महीने के बाद ये मजबूत हो जाएगा, 6 से 9 महीने लगते हैं इसको मजबूत होने में, तो फिर ये जिंदगी भर चलेगा। अगर उस 9 महीने के दौरान ये खिंच जाए, फट जाए, टूट जाए, लंबा हो जाए, तो सर्जरी फेल हो जाएगी। जितने भी ACL के इम्प्लांट हैं, उनका एक काम है कि वो 6 से 9 महीने तक इस नए लिगामेंट को सुरक्षित रखें और लंबा ना होने दें और फटने नहीं दें, क्योंकि ये 9 महीने तक कमजोर रहते हैं। अगर आप ऐसा इम्प्लांट यूज करोगे जिसमें इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, तो 6 महीने तक कोई रनिंग नहीं कर सकते। अगर आप 6 महीने के दौरान गिरे तो ये टूटेगा 100%, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है उसमें प्रोटेक्शन नहीं रहता, तो अगर इंसान सर्जरी के 6 महीने के दौरान गिर जाए तो फेल हो जाती है। दूसरा, हर कदम इस पर झटके की तरह पड़ता है तो लंबे भी आते हैं। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम आपके लिगामेंट को प्रोटेक्शन दे देते हैं फाइबर टेप से, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। अब ये आपको बचाएगा, तो इसका काम है 6 महीने तक बचाना, बचा के भी रखेगा, लंबा भी उन्होंने देगा, और दूसरा आपकी हड्डी भी कम कटेगी क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज कर रहे हैं। तो इसे क्या क्या फायदे हैं? पहले फायदे ये कि घुटना जाम नहीं होगा, पहले दिन से घुटना बैंड हो जाएगा, आप जल्दी काम पे जा सकते हो, जल्दी नौकरी पे जा सकते हो, दर्द बिल्कुल नहीं होगा ऑपरेशन के बाद क्योंकि हड्डी कम कटी है। ब्रेस लगा हुआ है तो बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं, तो काम की एक्टिविटी है, रिकवरी 50% जल्दी आएगी, सारे काम 50% जल्दी होंगे, तो कॉलेज जल्दी जाओगे, गेम में जल्दी जाओगे, सब में 50% का फर्क पड़ जाएगा, दर्द सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, आप कंफर्टेबल रहोगे। दूसरा, झटके वटके हर किसी को लगते हैं, क्या गारंटी है तुम 6 महीने तक गिरोगे नहीं, जब जब गिरोगे तब तक ये तुम्हें बचाता रहेगा, तो बेटा इसलिए इसकी सक्सेस रेट हाईएस्ट है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की जरूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।